ऐसा करने से न केवल भारत को अपने बेशकीमती प्राकृतिक संसाधनों का को लुटाया गया भारत में, बल्कि 12,000 करोड़ रुपए का निर्यात शुल्क भी चोरी हुआ, 12,000 करोड़ का ड्यूटी इवेजन हुआ, चोरी हुआ। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत इन कंपनियों पर लौह अयस्क छर्रों के गैर कानूनी निर्यात पर 2,00,000 करोड़ का जुर्माना बनता है। ये तो बड़ी बड़ी बातें नोशनल नोशनल करते थे, मैं तो आपको एक्चुअल फिगर दे रहा हूं। कानून के जरिए अगर हम सिर्फ उस एक्ट को पढ़ लें, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 को पढ़ लें, उसी से आप कैलकुलेट करिए तो 40,000 करोड़ का अगर आपने माल निर्यात किया है उससे 5 गुना ज्यादा पेनाल्टी उस पर लगती है, तो 2,00,000 करोड़ तो इस पर सीधा सीधा कैलकुलेशन। ऐसा 10 सितंबर 2020 को कानून मंत्रालय ने यह पत्र, मैं यह संलग्न कर रहा हूं, आपको दे भी रहा हूं, इसके माध्यम से यह स्पष्ट भी किया कि छर्रों के निर्यात की अनुमति सिर्फ KIOCL को है, कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड को है, और उसके अलावा अगर जितनी भी कंपनियां निर्यात कर रही हैं तो वो गैर कानूनी है। ये अब 10 सितंबर को निकला है 2020 को, 6 साल के बाद। यह न केवल फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के तहत गैर कानूनी है, बल्कि कस्टम्स एक्ट 1962 को भी ये उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी सजा बनती है।